हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा राधे राधे। और फ्रेंड्स, ये जो प्यारा सा ब्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट गणपति बाप्पा जी का, जब वो आए थे उस दिन उनका 56 भोग लगाया था, तो सारी छोटी छोटी सी क्लिप ली थी जिसको मैंने सबको मिला के बनाया है प्यारा सा यहाँ पे ब्लॉग। और ये 10-11 दिन कैसे निकल गए उनके साथ पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा वहाँ पर धूम रही, मंदिर पे रौनक रही, प्रसाद और किसी चीज़ की मतलब सब ने मिलजुल कर इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया 2023 के जो हमारे गणपति बाप्पा आए थे। और ये सच में ऐसा ब्लॉग होता है जो हमें बहुत खुशियों के साथ और लास्ट में हमें इमोशनल भी कर जाता है, क्योंकि ये थोड़ा इतना अटैचमेंट हो जाता है जब गणपति बाप्पा हमारे सामने होते हैं, हम उनको देखते हैं रोज़ाना और फिर जब उनका विसर्जन करते हैं ना, तो पता नहीं क्यों दिल इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है दिन। तो बस छोटी छोटी क्लिप जो मेरे पास थी मैंने उन सबको मिला के बनाया एक प्यारा सा ब्लॉग। तो ये हम लास्ट डे गए थे उस दिन, तो यहाँ पे मैं आरती और पूजा मतलब गई थी दीपक जलाने, और जब जब टाइम मिलता था जाते ही थे थोड़ा सा वक्त निकाल के। और बीच में एक दो दिन मेरा जाना नहीं हो पाया क्योंकि शिवांश का जन्मदिन भी आ गया था और उसी के ब्लॉग भी चल रहे हैं। तो एक छोटी सी जो क्लिप थी मैंने सोचा सबको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। और गणपति बाप्पा मोरिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो ये लास्ट बहुत ही अच्छा रहा था वहाँ पे, और टेंट वगैरह लगाया था और वहाँ डेकोरेशन, और फिर सब ने मिलजुल कर जब गणपति जी को विसर्जन किया, तो वही सब सारी हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने इसमें शेयर किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, इन्जॉय करें और गणपति बापा सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने बापा का भोग लगाया है। आज गणपति बापा जा रहे हैं और ये मैंने घर पे फर्स्ट टाइम बनाया इस तरह से मोदक, देसी टाइप मोदक। तो बस मैं गणपति बापा का लगाने जा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी सोसाइटी में आज गणपति बाप्पा जी का विसर्जन है और हम सबके साथ रहते हुए भी वो हम सबको विदा कर जाएंगे। बस कुछ रिचुअल्स होते हैं, उन सबको निभाना होता है। और चलो आपको प्यारे से गणपति बाप्पा की झलक दिखाते हैं और उनसे सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो मैंने अपने हाथ से बनाए थे और कुछ देसी टाइप में बोधक फर्स्ट टाइम बनाए थे। बस मेरा मन था कि मैं बापा के लिए कुछ अपने हाथ से बनाऊँ, उनका भोग लगाऊँ। तो चलते हैं, भोग भी लगाते हैं और मिलते हैं बापा से। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये है शिवांश बाबू, रेडी हो गए हैं बाप्पा के विसर्जन के लिए। अब बाप्पा को बाय करेगा, विश मांगेगा उनसे। और शिवांश जी अपना फोन लेके जा रहा है, ये भी अपना वीडियो बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मोदक, पानी की बोतल, ट्राईपोड, सब मुझे ज़रूरत है। फ्रेंड्स, लाइव करूँगी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में बापा के विसर्जन में सभी शामिल होना और अपनी अपनी मनोकामना मांगना। तो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति ये। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवा श्री तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति काउग्रजं भगवद्भावाणी यथा कालो द्वमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि वहार पुष्पाञ्जलि अर्पित करो मेरे प्रभु, करो स्वयिका पुष्पाञ्जलि अर्पित करो मणिगणराज करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बापा की आरती और पुष्प अर्पित करके उनका भोग लगा के उनका विसर्जन का टाइम आ गया था। मेरी लाइव चल रही है, आप लाइव भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों तरफ सोसाइटी के चक्कर लगाने के बाद बापा का विसर्जन हो गया था और बच्चे ने जोरों शोरों से मिलके उनके खूब सारे जयकारे लगाए। बहुत ज़्यादा खुश भी थे, इमोशनल भी थे जब उनको विसर्जन किया। उसके बाद यहाँ पे शाम को हुआ था भंडारा और ये भंडारे की कुछ क्लिप है। इसी के बाद इस छोटे से ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। और जाते जाते बस यही कहूँगी, बापा अगले बरस जल्दी आना और खूब सारी खुशियाँ लेके आना, सभी पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना।